हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपने देखा था, हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो किसी ने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सारे के सारे जितने प्रीवियस वीडियो हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, जो हम अपना प्रोडक्ट कार्ड का ट्यूटोरियल चल रहा है, तो अगर उनके रिलेटेड किसी ने कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वाले वो वाली वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद ही आपको वीडियो अच्छे से समझ लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आप जो हमारे जो पेज बना हुआ था उसका अब हम नेविगेशन लगाएंगे और उसका जो फुटर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे। उन फोल्डर में हम क्या करेंगे, एक फुटर वाला पेज बना लेते हैं और एक हेडर वाला बना लेंगे, ठीक है। और फिर उनको हमारे जो मेन पेज हैं उनमें हम इंक्लूड करवा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो जीएसटी कैलकुलेशन वाला फोल्डर था, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर, उसका नाम दे देता हूँ नीचे INC, ठीक है। तो INC मतलब इंक्लूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ हेडर डॉट PHP, ठीक है। इसको मैं हेडर नाम डॉट PHP से सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेडर वाली फाइल है, तो इसका जो हेडर है वो पहले लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले दोनों फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, ये फुटर वाली बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फुटर वाली बना लेते हैं, ठीक है, फुटर डॉट PHP, ठीक है। तो ये फुटर वाली दोनों फाइल बन गई, एक फुटर वाली एक हेडर वाली बन गई, ठीक है। तो हेडर में क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोडक्ट्स थे हमारे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो करवाए थे, ठीक है। प्रोडक्ट वाले पेज पे चलते हैं, तो इसका जो यहाँ पे नेविगेशन लगाया हुआ है प्रोडक्ट्स वाले पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो एडमिन के पैनल पे था इंसर्ट प्रोडक्ट, वहाँ पे हमें अपना जो नेविगेशन बार लगाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका नेविगेशन बार को उठा लेते हैं यहाँ से, उसको कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो हेडर वाला पार्ट है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, नेविगेशन को यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेविगेशन को उठा लिया, तब इसको हम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फुटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फुटर, यहाँ पे एक मेरे पास पेज है और यहाँ पे नीचे क्या है, फुटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल फुटर है, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ इस फुटर वाले पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फुटर आ गया और यहाँ पे नीचे हमारा ये हेड, ऊपर हमारा हेडर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों फाइल को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करवा लेते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स, सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला पेज था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आते हैं, तो इनको यहाँ पे क्या करते हैं, इसके हेडर ऊपर इंक्लूड करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, PHP के थ्रू इसको इंक्लूड करवा लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो PHP का टैग है, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड फाइल है हमारी हेडर डॉट PHP, और किस फोल्डर में है, यहाँ पे हमें यहाँ पे /INC फोल्डर, ठीक है, INC फोल्डर के अंदर हेडर डॉट PHP है, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी फाइल पाथ, यहाँ पे इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा हेडर आ गया ऊपर लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो हेडर है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने इंक्लूड करवा लिया हमारा हेडर, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर हेडर आ रहा है, तो यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा नेविगेशन ऊपर आ रहा है तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये ऊपर हमारा नेविगेशन आ गया। अब फुटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो देखिए हेडर को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बॉडी के नीचे, ऊपर टॉप पे कर रहा हूँ हेडर को, और इसी तरीके से जो हमारा फुटर रहेगा वो सबसे बॉटम पे रहेगा, ठीक है। तो PHP इंक्लूड हमारा INC/footer.php, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको PHP में लिख लिया, ठीक है, इंक्लूड करवा ली इस फाइल को। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे हमारा फुटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हमारा फुटर आ गया, बट ठीक है, इसको थोड़ा सेटअप कर देते हैं, ओके, इंक्लूड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फुटर वाले पे चलते हैं, आई थिंक, ओके, इसको हम क्या कर देते हैं,
यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पे चलते हैं, नीचे इसको डिप के अंदर रखते हैं, तो इसको नीचे ओके हम क्या करते हैं इसको बाहर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा नीचे फुटर आ जाएगा। ठीक है, फुटर को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे डिव हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लास दे देते हैं हम रो। ठीक है, सेव। और यहाँ पे जो कॉलम है वो 12 ले लेगा लार्ज के लिए। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या इश्यू है। इसको भी सेट करते हैं रो। ठीक है, ये हमारा फुटर आ गया नीचे। ओके, लार्ज के लिए MD, कॉलम MD के लिए 12। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे फुल स्क्रीन यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो हेडर है उसको इंक्लूड करवा लिया और नीचे इसको फुटर को इंक्लूड करा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉगआउट का बटन है, यहाँ पे हम साइन अप का बटन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे हेडर पे चलते हैं। तो ये देखिए हेडर का, अब हेडर आपके पास यही है, आप जो आप चेंजेस करना चाहते हो ऊपर वाले हेडर में, तो सिर्फ यही पार्ट आपके पास रहेगा। आप जैसे चाहें उसको अपना जो मॉडिफाई कर सकते हैं, अब सिर्फ यहाँ पे हेडर का ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमारा जो हमने नाम रखा था शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ठीक है, होम का बटन रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होम का बटन रहने देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट का बटन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लॉगआउट का बटन है, यहाँ पे हम कर देते हैं साइन अप। ठीक है, फ्री साइन अप लिख लेते हैं, फ्री स्टार्ट, चलिए फ्री स्टार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा फ्री स्टार्ट आ गया, और यहाँ पे हमारे जो शॉपिंग प्रोजेक्ट होम और अबाउट का बटन आ गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे फ्री स्टार्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, और रजिस्टर करवाएंगे उसके बाद हम उसको मेल भेजेंगे, मेल के थ्रू हम उसको अपना जो उसका ईमेल है, और ईमेल है जो एड्रेस उसने भरा था और पासवर्ड भरा था, वो उसके ईमेल पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो फिर यूज़र लॉगिन करेगा और उसको हम इंटरफेस दिखाएंगे अपना। ठीक है, तो उसके बाद ऐड टू कार्ड करेंगे। ऐड टू कार्ड वाला प्रोसेस अभी हमारा रह रहा है, तो हम ऐड टू कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे जब लॉगिन करेगा तो उसका जो कार्ड शो होगा यूज़र का, तो उस कार्ड में अगर वो ऐड टू कार्ड करता जाएगा तो उसके कार्ड में जो प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे, उसके बाद हम चेकआउट पे आएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस, उसके बाद हम पेमेंट पे देखेंगे पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बस इतना ही, हमने अपनी जो फाइल्स को हैंडल करना सीखा है, हम अपनी कैसे फाइल्स को एडजस्ट और हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये मैं आपका सेटअप है पूरा सेट कर दूंगा। ठीक है, और फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।